The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Gallstones se kya symptoms hote hain? Kya pata kaise chalega ki aapko gallstones hai ya nahi? Aur agar aapko gallstones hain तो आप क्या करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच शुड बी डिस्कस्ड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन वेरी मच डिटेल्स. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो गॉल ब्लैडर के स्टोन के साथ आप लोगों को होगा डाइजेशन का प्रॉब्लम. फर्स्ट साइन इज डाइजेशन प्रॉब्लम्स बिकॉज गॉल ब्लैडर का काम है आपकी बॉडी में बाइल एसिड, जो कि लिवर के अंदर डाइजेस्टिव एसिड बनता है बाइल, उसको बनाना, वो लिवर से बन के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसको गाढ़ा करने का काम है गॉल ब्लैडर का. और जब बाइल गाढ़ा नहीं हो पाता है बिकॉज गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत है, तब होता है आपके साथ में इस तरीके का इशू, इनडाइजेशन का इशू. सो गॉल ब्लैडर से पहला इशू आता है इनडाइजेशन का. सेकेंड इशू जो गॉल ब्लैडर के दिक्कतों में आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. दैट इज़ नॉट इनडाइजेशन, दैट इज़ नॉट एनीथिंग एल्स, बट इट इज़ ब्लोटिंग. जी हाँ, इनडाइजेशन अलग है, ब्लोटिंग अलग है. इनडाइजेशन का मतलब होता है कि खाना आपको, ब्लोटिंग का मतलब होता है कि पेट भरा भरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गैस निकल रही है नीचे से. और इनडाइजेशन का मतलब होता है कि खाना जो है वो पच नहीं रहा है, तो वैसी का वैसी बाहर आ रहा है, वैसी का वैसी लैट्रिन में बाहर आना आपका इनडाइजेशन कहलाता है. और ब्लोटिंग थोड़ी सी रिलेटेड ही है, लेकिन है. सो सेकंड चीज़ होगी ब्लोटिंग. और थर्ड सिम्टम जो है उसका वो है गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर आ गया तो पेन हो सकता है बहुत ही ज़ोरदार. अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन के वजह से पेन होगा तो इतना ज़ोरदार पेन होगा कि पूछो ही मत. जी हाँ, बिल्कुल पूछो मत, क्योंकि पेन इतना ज़ोरदार होता है उसमें कि आ निकल जाती है, कराह निकल जाती है, बहुत ज़ोरदार पेन होता है. और पेन होगा आपको कभी कभी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में या राइट साइड के ऊपर साइड में, और हो सकता है पेन गॉल ब्लैडर का पेन बिल्कुल बीचों बीच पैनक्रियाज में पेन हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस वाला, वो भी एक पॉसिबिलिटी. हमेशा याद रखिएगा कि गॉल ब्लैडर कैन लीड टू पैनक्रियाज का इश्यूज. देन थर्ड साइन जो उसका है गॉल ब्लैडर में स्टोन का, वो है पेन हो गया, अनडाइजेशन हो गया, गैस्ट्राइटिस, बर्प्स, खाना ऊपर आना, वो चीज़ होती है. फोर्थ सिम्टम है अगर आपको अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर में सूजन दिख रही है. जी हाँ, वो एक साइन है. या इवन यहाँ पे पालपेट करते हैं तो गॉल ब्लैडर में सूजन मिल सकती हैं ऑन दैट पालपेशन में भी. सो वो भी एक साइन पकड़ा जाता है कि पालपेशन में गॉल ब्लैडर में सूजन मिल रही है. सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पक्की बात से गॉल ब्लैडर में अच्छा खासा स्टोन है. सो आपको कराना पड़ सकता है उस चीज़ का ऑपरेशन, याद रखिएगा. और ऑपरेशन कब करते हैं कब नहीं करते उसका वीडियो अलग है, आज सिर्फ साइंस की बात हो रही है. साइंस में बातचीत जो चल रही है उसमें और जो चीज़ समझने वाली है वो है अबाउट द लिवर. जी हाँ, नॉर्मली गॉल ब्लैडर और लिवर एसोसिएटेड होते हैं इन द कंटेस्ट की गॉल ब्लैडर के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो लिवर को इफेक्ट करते हैं. तो थोड़ा बहुत लिवर एंजाइम्स, बिलीरुबिन, बाइल, डिरेंज मिल सकता है. सो अगर डिरेंज्ड लिवर फंक्शंस मिल रहे हैं तो बिलीरी बाइल एसिड्स बड़े हुए आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, तो भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि ठीक है, मे बी देर इज अ प्रॉब्लम इन द गॉल ब्लैडर. सो ये भी एक साइन सिम्टम होता है. इसके अलावा गॉल ब्लैडर में पथरी अगर उसके नेक पे आ जाए, अगर उसके नेक पे पथरी आ जाएगी तो क्या होगा. ये बात याद रखिए कि नॉर्मली गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल
जो होता है वो एक स्लज नहीं होता, बाइल फ्री फ्लोइंग होता है। पड़े पड़े अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, खाना टाइम से नहीं खाते हैं, तो बाइल सॉल्ट गाढ़े हो सकते हैं, और अगर बाइल सॉल्ट गाढ़े हो गए, बाइल गाढ़ा होता गया, गाढ़ा होता गया, गाढ़ा होता गया, तो बाइल से जो हम कहते हैं स्टोन्स बन सकते हैं, स्लज बन सकता है, और स्लज के बाद बनता है स्टोन। अब बाइल से अगर स्टोन बन जाता है, तो वो स्टोन हो सकता है एक हो सकता है मल्टीपल हो सकता है जब बहुत सारे स्टोन होते हैं, तो ये भी रिस्क होता है कि एक छोटा मोटा स्टोन जाके आपके गॉल ब्लैडर का जो नेक है उसमें फंस जाए। कभी कभी ये भी रिस्क होता है कि ये छोटा मोटा स्टोन नेक में भी फंसेगा और साथ में पाइपलाइन में घुस जाए। अगर पाइपलाइन में घुस गया, पाइपलाइन में घुस गया, तो एक और इश्यू होता है कि पाइपलाइन में घुस के वो पैनक्रियाज में जाके फंस सकता है, और पैनक्रियाज के पाइपलाइन में जाके अगर वो फंस जाता है, तो फिर आपको मेजर प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है, जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस। सो पेनक्रियाज में सूजन आ जाना, पेनक्रियाटाइटिस हो जाना अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन देखा गया है अबाउट दिस प्रॉब्लम, फॉर दिस प्रॉब्लम, तो वो आपको समझना है। उसके बाद में ये सारे साइंस होते हैं बेसिकली गॉल ब्लैडर के स्टोन के, और गॉल ब्लैडर में अगर सूजन आती जाएगी, सूजन आती जाएगी, तो वहाँ पर पेट के नीचे लंप मिल सकता है, आपको बड़ा सा लंप मिल सकता है पेट के नीचे, वो भी अपने आप में एक साइन है। फीवर आ सकता है, बुखार आ सकता है। बुखार क्यों आएगा? गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन की वजह से, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, बेसिकली वहाँ पर स्लज पड़े पड़े स्टोन होता है, तो स्टोन के वजह से, और बुखार फीवर आ सकता है। सो फीवर, पेट में दर्द और इनडाइजेशन या मर्फी साइन एक और बहुत क्लासिकल चीज़ होती है, जहाँ पर दबाने से ही टेंडरनेस होती है, तो वो भी एक साइन है जिससे कि पता चलता है ओके ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही है ये गॉल ब्लैडर के ही वजह से है। सो ये सारे हो गए आपके गॉल ब्लैडर के साइन एंड सिम्टम्स। सो ओके।